क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, इसमें एबी और एसी आपस में बराबर हैं। नाउ साइड बीए इज प्रोड्यूस टू डी, साइड बीए को पॉइंट डी तक एक्सटेंड करते हैं सच दैट एडी इज इक्वल टू एबी, सच दैट एडी और एबी आपस में बराबर है, यानी एबी एसी और एडी ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। नाउ शो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, हमको ये शो करना है कि ये एंगल बी सी डी, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सोल्यूशन है इसका, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स, इस एंगल को हम एक्स मान लें, ये एंगल भी एक्स होगा, एंगल ए बी सी भी एक्स होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए एंगल ए सी डी इज इक्वल टू वाई, इस एंगल को अगर हम वाई मान लें तो ये एंगल भी वाई होगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू वाई, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ वी कैन सी एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये पूरा एंगल ये होगा एक्स प्लस वाई। अब देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल बी सी डी को देखिए, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिए x प्लस वाई को एंगल बी सी डी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था।